नमस्कार, स्वागत है आपका अमन लाइफ साइंस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। सीएसआईआर नेट का नवंबर का क्वेश्चन आ गया है। हम लोग यहाँ पे मेनली इसका क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे। ये वीडियो जो होगा वो शिफ्ट टू में जो एग्ज़ाम हुआ था, चूँकि सीएसआईआर नेट जो है वो दो शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट वन जो कि मॉर्निंग शिफ्ट था, शिफ्ट टू जो इवनिंग शिफ्ट था, यानी कि ये जो एग्ज़ाम जो दो शिफ्ट में था। अब ये जो अभी हम जो वीडियो देखेंगे वो होगा आपको शिफ्ट टू का पार्ट वन है, यानी कि शिफ्ट टू के सारे वीडियो जो होंगे पार्ट वाइज करके पांच से छह पार्ट में होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये पार्ट बी के सारे क्वेश्चंस हैं। मेरा नाम है पंकज अमन और मैंने सीएसआईआर नेट गेट बीएचयू रेट सीसीएमबी प्रोजेक्ट जीआरएफ अभी प्रेजेंटली रिसर्च स्कॉलर हूँ पटना यूनिवर्सिटी में, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गेस्ट में। तो आप पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं तो आप देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन ही जो आपको शिफ्ट टू का क्वेश्चन जो था वो आप यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर देख सकते हैं, ये 21 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है, एमसीक्यू ऑप्शन, चूँकि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। और इसके लिए आपको दो मार्क्स मिलेंगे और जो जो रॉन्ग अगर ऑप्शन अगर आंसरिंग रॉन्ग करते हैं तो 0.5 मार्क्स कट जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए प्लॉट विथ विच द फॉलोइंग एक्सिस इज ड्रॉन टू एग्जिबिट एंजाइम इनहिबिशन काइनेटिक्स अप्लाइंग डिक्सन प्लॉट। अभी तक जो है डिक्सन प्लॉट के बारे में आपको सीएसआईआर नेट वगैरह में नहीं पूछा था, लेकिन थोड़ा सा अगर डिटेल में जाइएगा इन एंजाइम इनहिबिशन काइनेटिक्स का, तो आप देखिएगा कि डिक्सन काइनेटिक्स जो होता है उसका जो ग्राफ होता है उसका ग्राफ कुछ आपको इस तरह से दिखेगा कि ये इस तरह से दिखेगा, और ये ग्राफ में जो वाई एक्सिस पे होगा वो होगा 1/VEI, ठीक है, और बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर। तो ये जो ग्राफ होगा वो आपको कुछ इस टाइप के इसके और इसके बीच में होगा, यानी कि ये जो होगा 1/VI वर्सेस इनहिबिटर के कंसंट्रेशन में। तो इस हिसाब से अगर हम आंसर देखें तो ये आंसर जो होगा वो थर्ड जो है वो सही होगा, ठीक है। तो आप ये डिक्सन काइनेटिक्स या डिक्सन प्लॉट का जो आप डेरिवेशन है या जो इक्वेशन है अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वाई एक्सिस पे क्या आता है और एक्स एक्सिस पे क्या आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके पूछा हुआ है कि पायरोडाइलाइडीन जो रिंग होता है, ठीक है, प्रोलीन के अंदर जो कि रिड्यूस करता है, इज रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म, मतलब उसको जो साइक्लिक फॉर्म जो होता है, ये जो प्रोलीन का जो आर ग्रुप होता है, प्रोलीन का जो आर ग्रुप होता है उसको अगर आप देखिएगा तो वो अपने ये NH2 ग्रुप के साथ साइक्लिक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, ये साइक्लिक बॉन्ड बना लेता है। लेकिन क्या कह रहा है कि इसमें रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि वो उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकेज हो गया। तो जनरली अगर आप देखिएगा तो न्यू एमिनो एसिड जो होगा वो कैसा होगा, मैंने उसके अंदर क्या चेंजेज आएंगे अगर आप देखिएगा तो आप ये फाई जो होता है, ये आपका जो फाई होता है आप देखिएगा राउंड अबाउट 60 डिग्री के आसपास ये रिस्ट्रिक्ट करके रखता है ड्यू टू ये साइक्लिक फॉर्म के कारण ये 60 डिग्री के आसपास जो होता है फाई का वैल्यू होता है। लेकिन जैसे ही ये रिड्यूस करते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है, यानी कि फाई जो है वो अब मोर फ्लैक्सिबल होगा एज कम्पेयर टू ये 60 डिग्री के अप्रॉक्स, यानी कि ये और ज़्यादा फ्लैक्सिबल हो जाएगा, यानी कि इस हिसाब से अगर कहें तो ये रिलैक्स फाई देन प्रोलीन, यानी कि प्रोलीन का जो ओरिजिनल फाई है जो कि 60 डिग्री के आसपास है उससे अब ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी शो करेगा, यानी कि ज़्यादा रिलैक्स्ड शो करेगा। तो आंसर इस तरह से इसका जाता है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे कि आप अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बहुत बेसिक, मैंने आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप देखिएगा ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन होता है और आप जानते हैं कि सीएसआईआर में जब भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन आता है वो बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो कुछ साइंटिस्ट का नाम कॉलम ए में दिया हुआ है और उनके द्वारा जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं उसके बारे में, मतलब आपको कॉलम बी में दिया हुआ है, आपको जस्ट मैच करना है कि कौन से साइंटिस्ट जो है वो किस
फील्ड में या किस स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा मतलब काम किए हैं। तो अगर लीनियर स्पॉलिंग की बात करें तो लीनियर स्पॉलिंग जो है वो आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जैसे अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड सीट के बारे में अगर देखें तो वो बहुत अच्छे से बहुत लीनियर स्पॉलिंग का बहुत बड़ा रोल है ये आपका प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड सीट वगैरह में। ठीक है, इमिल फिशर की बात करें, जैसे कि आप एंजाइम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इमिल फिशर जो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है वो दिया गया है इमिल फिशर के द्वारा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। जॉन केंड्रू के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये जानिएगा कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो जॉन केंड्रू के द्वारा मतलब दिया गया है। ठीक है, और एनफिंसेंस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो आप जानते ही हैं। एनफिंसेंस एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, प्रोटीन का जो एमिनो एसिड सिक्वेंस जो है उसका रिलेशनशिप यानी कि सिक्वेंस स्ट्रक्चर रिलेशनशिप जो है वो आपको यहाँ पे एनफिंसेंस एक्सपेरिमेंट यानी कि क्रिस्टियन एनफिंसन जो है वो इसके बारे में बताए। अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए का सेकंड, चलिए ठीक है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, बी का थर्ड ये देखिए, ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे। ठीक है, अभी पार्ट बी का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग पार्ट सी का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिएगा, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा मतलब आपको दिमाग लगाना था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम डोनर यानी डोनर कौन, NADH और FADH2 2O2 अकर्सिन कहाँ होता है। जानते ही हैं आप कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है, फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है, एक्सेप्टर की अगर हम बात करें वो होता है O2 ऑक्सीजन। ठीक है, और H+ जो होता है वो चला जाता है कहाँ, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। और ये इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में H+ ग्रेडियंट क्रिएट होने के कारण ही ATPH जो होता है ATP का फॉर्मेशन करता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, यानी कि NADH और FADH2 के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको रिसीव किया जाता है O2 के द्वारा, और वो कहाँ होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आप जानते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो आप जानते ही हैं ये NADH और FADH का फॉर्मेशन होता है, और वो NADH और FADH जो होता है वो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है ताकि वो ATP का फॉर्मेशन कर सके। तो यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है अगर O2 की बात करें तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आंसर गोज टू थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखिए तो बहुत बहुत ध्यान से अगर आप पढ़िएगा तो आपको इसमें पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, और आपको मेम्ब्रेन के बारे में सारा का सारा ऑप्शन दिया गया है। अगर आप मेम्ब्रेन के ऑप्शंस देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही सिंपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि तीन कॉमन टाइप बताया है, थ्री कॉमन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स आर कोलेस्ट्रॉल, आप जानते ही हैं, फॉस्फोलिपिड ये भी आप जानते हैं, और ग्लाइकोलिपिड, ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फॉस्फोग्लिसराइड्स की बात करें, कैरी ए ग्लिसरॉल बैकबोन, जाहिर सी बात है कि फॉस्फोग्लिसराइड जो होता है वो क्या करता है, ये एक ग्लिसरॉल हो गया, ग्लाइसेरॉल हो गया। ठीक है, और टू फैटी एसिड, यहाँ से दो फैटी एसिड लगे रहते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, टू फैटी एसिड चेन एंड फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल, इसके ऊपर जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन लगाइए, PC लगाइए, फॉस्फेटिडाइल सेरीन लगाइए, मतलब जो भी आपको लगाना है यहाँ पे आपको फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप कंटेनिंग आप लगा सकते हैं, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन की बात करें तो मोस्ट फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म बाई मॉलिकुलर सीट रादर देन मिसल्स, जाहिर सी बात है कि जितने भी फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, ये सीट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ये जो उनका हेड होगा वो आउटसाइड की तरफ, ये आउटसाइड की तरफ, ये उनके हेड जो होंगे वो आउटसाइड की तरफ, और टेल जो होगा वो इनसाइड की तरफ। तो मोस्ट ऑफ द जो केसेस में होता है वो ये बाई लेयर सीट का फॉर्मेशन करता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जो कि बहुत अनफेवर करते हैं, जैसे कि आप मिशिल की बात करें तो ये जो होता है ये बाहर में होता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और इसके जो टेल होते हैं वो इनसाइड की तरफ होता है। तो मिशिल का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा फेवर्ड नहीं किया जाता है, और यहाँ क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ कहा है कि एक्वस मीडिया, अगर एक्वस मीडिया में देखा जाए तो मिशिल का फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम होता है, मोस्टली फेवर होता है बाई लेयर बाई
लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, चलिए ठीक है। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें बहुत ध्यान से देखने की बात है कि कॉमन अल्कोहल मॉइटी इन फॉस्फोग्लिसराइड्स की बात करें, फॉस्फोग्लिसराइड्स में कॉमन अल्कोहल मॉइटी जो होता है वो ग्लिसरॉल होता है, इनोसिटॉल होता है, यहाँ तक सही है, कोलीन यहाँ तक सही है, इथेनॉल एमीन यहाँ तक सही है, लेकिन ये टायरोसिन नहीं हुआ, थ्रियोनिन हो सकता है, लेकिन टायरोसिन जो है आपको नहीं देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन की बात की जाए, इनकरेक्ट ऑप्शन की बात, तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने अभी तक मेम्ब्रेन में टायरोसिन वगैरह नहीं देखा है। तो आंसर गोज टू फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, कि ट्रांसलोकेशन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल लिस्टेड बिलो डज नॉट डिपेंड ऑन द अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड सीक्वेंस, यानी कि जो सिग्नल सीक्वेंस है जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, उसमें से कौन से ऐसे प्रोटीन के पास सिग्नल सीक्वेंस होता है जो अमीनो एसिड नहीं कंटेन करता है, यानी कि कुछ और कंटेन करता है, यानी कि जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होना होगा फ्रॉम गॉल्जी बॉडी टू पार्टिकुलर ऑर्गेनेल, तो हर प्रोटीन के पास जो भी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होना है उसके पास एक स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस होता है, और वो स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस ही उस प्रोटीन को उस पार्टिकुलर ऑर्गेनेल के पास ले जाने में मदद करता है, ठीक है। अब उस सिग्नल सीक्वेंस में जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि मान लीजिए ये प्रोटीन है तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होंगे, जो कि रेस्पॉन्सिबल होंगे कि इस प्रोटीन को किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनेल के पास ले जाएं। लेकिन जैसे कि न्यूक्ली, अगर हम सिग्नल सीक्वेंस की बात करें तो आप यहाँ पे डायग्राम ये देख सकते हैं कि अगर इनपुट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास करना है तो आपको ये वाला सारा कंजर्व सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर रिटेंशन इन ल्यूमेन टू ईआर के ल्यूमेन में आपको ले जाना है तो ये वाला सीक्वेंस आपको देखने को, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आपको ले जाना है तो ये लाइसिन और आर्जिनिन रिच जो होगा वो सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियस में ले जाना है तो ये भी ये वाला सीक्वेंस आपको मिलेगा, और पेरोक्सिसोम में ले जाना है तो आपको ये वाला सीक्वेंस मिलेगा। यानी कि कुल मिला के जितने भी ऑर्गेनेल्स में अगर आपको प्रोटीन लेके जाना है तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस, सिग्नल सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनेल है जहाँ पे आपको एमिनो एसिड का सिग्नल सीक्वेंस नहीं होके एक कार्बोहाइड्रेट का सिग्नल सीक्वेंस होता है, जिसको बोलते हैं मैनोज 6-फॉस्फेट M6P, ठीक है ना, मैनोज 6-फॉस्फेट। ये जो होता है जब भी किसी प्रोटीन के ऊपर टैग हो जाए तो दैट मीन्स कि वो प्रोटीन जो होगा वो लाइसोसोम के पास जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर जो है इसका जाता है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्रिप्नोसोम्स में जो इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग होती है, जैसे कि जो होता है वो जनरेट करता है, जनरेट वाई शेप स्ट्रक्चर इन प्लेस ऑफ लैरिएट, यानी कि उसके अंदर जो है लैरिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि ट्रिप्नोसोम्स में जो होता है जब स्प्लाइसिंग होता है तो लैरिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सच स्ट्रक्चर्स इज जनरेटेड ड्यूरिंग कौन से टाइप का स्प्लाइसिंग होता है, यानी कि ट्रिप्नोसोम्स में कौन से टाइप का स्प्लाइसिंग होता है। अब बहुत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रांस स्प्लाइसिंग जो होता है वो आपको ट्रिप्नोसोम्स में देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपका है वो है स्प्लाइस लीडर आरएनए जो है, वो कैसे प्री एमआरएनए को ये स्प्लाइसिंग करवाता है। जैसे कि आप देखिएगा इसका एक्सॉन अलग हो गया, ठीक है, ये इंट्रॉन जो होता है अपना ये यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, इसका ओएच जो होता है वो इस ब्रांच पॉइंट के ऊपर अटैक करता है, यानी कि इस ब्रांच पॉइंट पे जैसे ही अटैक करेगा, यानी कि इस इंट्रॉन को ये रिमूव करना चाहता है, जैसे ब्रांच पॉइंट पे अटैक किया ये यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन होने के बाद यानी कि अब ये वाला फर्स्ट एक्सॉन, ठीक है ना, और ये वाला सेकेंड एक्सॉन, यानी कि इंट्रॉन्स जो है वो बाहर चले जाएंगे, और दोनों के दोनों एक्सॉन जो हैं वो एक जगह आपको ज्वाइन हो जाएगा। आप देखिएगा उसके बाद जो इंट्रॉन्स जो हैं, जो रिमूव हो रहे हैं इंट्रॉन्स, वो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वाई शेप्ड ब्रांच स्ट्रक्चर। ये वाई शेप्ड जो ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये, और ये पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग
ट्रांस स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रिप्सिनोसोम्स के अंदर जो होता है मेनली ट्रांस स्प्लाइसिंग के थ्रू वाई शेप्ड ब्रांच स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इंट्रॉन्स के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप समझिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स द स्टेबल बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट द प्रोमोटर साइट। आप जानते हैं कि प्रोमोटर साइट के ऊपर ये जो स्टेबल बाइंडिंग जो होता है पॉलीमरेज का वो करवाता है सिग्मा फैक्टर, जिसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सिग्मा फैक्टर होते हैं, इसमें से सिग्मा 70 जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो प्रोमोटर साइट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को बहुत ही प्रमोट करता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर गया सेकंड ऑप्शन। चलिए ये बहुत ही फेमस और बहुत कॉमन है जो कि सारे के सारे अगर स्पेनिश जो भी बहुत अच्छे से ध्यान से अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनको पता है कि एक हर सीएसआर के एग्ज़ाम में एक ना एक एंटीबायोटिक एज ए इनिबीटर पूछेगा। तो एरिथ्रोमाइसिन का एज ए इनिबीटर की अगर बात करें हम तो ये एक्ट करता है कैसे, ये बाइंड कर जाता है 50S सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम पे एंड इनिबीट करता है ट्रांसलोकेशन को। 50S सब यूनिट को पे जैसे ही बाइंड करेगा वो असेंबली को प्रिवेंट करेगा, यानी कि 50S और 30S जो है वो असेंबल नहीं हो पाएगा, और जैसे ही असेंबल नहीं हो पाएगा यानी कि ये जो ट्रांसलोकेशन जो है वो अब इनिबीट हो जाएगा, यानी कि एरिथ्रोमाइसिन जो है वो ट्रांसलोकेशन को इनिबीट करता है बाई बाइंडिंग टू 50S सब यूनिट, ठीक है। चलिए इसका आंसर गया आपका सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक लैक ऑपेरॉन का क्वेश्चन है, जिन एक्सप्रेशन में आप जानते हैं कि लैक्टोज जो होता है लैक ऑपेरॉन जो होता है वो इंड्यूसिबल अपेरॉन होता है, ठीक है ना। आप अगर इसमें देखिएगा तो क्या होता है, जैसे कि लैक्टोज अगर प्रेजेंट है ये अगर ऐसे आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, सॉरी ये अगर आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये ऑपेरॉन देख लीजिए, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ इंड्यूसिबल आई होता है, ऑपरेटर प्रोमोटर फिर स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि रिप्रेशर जो होता है रिप्रेशर एमआरएनए बना फिर रिप्रेशर प्रोटीन बना, ठीक है। जैसे ही रिप्रेशर प्रोटीन बना अगर लैक्टोज है तो ये इसको क्या करेगा, ये इनएक्टिव रिप्रेशर होता है इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेगा, यानी कि इनएक्टिव है और लैक्टोज अगर है तो ये इसको लैक्टोज के मदद से ये एक्टिव में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ये एक्टिव होता है ये बाइंड कर जाता है प्रोमोटर साइट पे, ठीक है। जैसे ही ये एक्टिव हुआ सॉरी ये सॉरी एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है और ये बाइंड नहीं हो पाता है। जैसे ये बाइंड नहीं हो पाएगा आरएनए पॉलीमरेज जो होता है आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिल जाता है, वो जाके प्रोमोटर पे बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन करा देता है एंजाइम्स का ट्रांसक्रिप्शन करा देता है और आपका लैक्टोपेरॉन चलने लगता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ कंसर्न ये है कि ग्लूकोज का प्रेजेंस अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है लैक्टोज को तोड़ के हम लोग ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ही तो कन्वर्ट करते हैं, और जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ही तो फिर लैक्टोज को तोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, तब लैक ऑपेरॉन जो होगा वो नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ जितने भी ऑप्शंस हैं ग्लूकोज प्रेजेंट होने के वो गए, ठीक है। अब आता है ये दोनों ऑप्शन बचता है कि ग्लूकोज का एब्सेंस होना चाहिए लेकिन लैक्टोज का प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि लैक्टोज रहेगा तभी बीटा गैलेक्टोसिडेज या जितने भी एंजाइम्स हैं वो लैक्टोज को तोड़ के आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अगर सही से देखें तो ग्लूकोज का एब्सेंस होना चाहिए और लैक्टोज का प्रेजेंस होना चाहिए तभी ये लैकोपेरॉन चल पाएगा। तो इस हिसाब से ये अगर कोई आंसर जाएगा तो वो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अगर ये वाला अगर देखिएगा इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है, ये सीधे क्यूबे के डायग्राम से कॉपीड है, ठीक है ना। ये अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या पूछ रहा है कि गिवन प्लॉट सो चेंजिंग टाइटर, ये टाइटर का जो चेंजिंग है ऑफ न्यूक्लियर एनके सेल्स नेचुरल किलर सेल्स साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स
ठीक है ना, जो कि स्पेसिफिक टू वायरस जिसको हम CTLS बोलते हैं, एंड इंटरफेरॉन अल्फा बीटा ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन के समय सबसे पहले, ठीक है ना, वायरल इन्फेक्शन के समय सबसे पहले किसका टाइटर सबसे ज़्यादा होता है या कौन सबसे पहले आता है, इसको बताना है आपको। तो अगर यहाँ से आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो ये इम्यूनोलॉजी के QBA का डायग्राम है। आप देखते हैं इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरफेरॉन बीटा सबसे पहले आता है, ठीक है, सबसे पहले आता है। आपसे पूछ रहे विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग वायरस टाइटर सच प्लॉट रिप्रेजेंट्स द दीज फैक्टर करेक्टली इन ऑप्शन गिवन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो आता है डे आफ्टर द वायरल इन्फेक्शन, पहले से लेके तीसरे चौथे दिन तक आपको इंटरफेरॉन गामाज वगैरह वायरल इन्फेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद आपका नेचुरल किलर सेल आता है, ठीक है ना, वो पाँचवें दिन तक पहुँच ही जाता है, ठीक है, ये सॉरी दूसरे तीसरे दिन से शुरू हो जाता है नेचुरल किलर सेल का एक्टिवेशन। और सबसे लास्ट में जो आता है वायरल स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी सेल लिम्फोसाइट, ठीक है ना। और जैसे ही साइटोटॉक्सिक टी सेल लिम्फोसाइट आता है वो वायरस को इनगल्फ कर जाता है, या उसको मतलब इनगल्फ नहीं कहें, उसको मार देता है, क्योंकि साइटोटॉक्सिक टी सेल कहने का मतलब ही है कि वो उनको रिमूव करने का वो काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर सिक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है इंटरफेरॉन गामा, ठीक है ना, इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा, उसके बाद आता है नेचुरल किलर सेल, उसके बाद आता है वायरस स्पेसिफिक CTLS, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं मतलब ऑप्शन जो है उसमें थर्ड होगा, ठीक है। ये इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन इस बार बहुत ही डोमिनेट किए थे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आप ये कह सकते हैं ये भी इम्यूनोलॉजी का ही क्वेश्चन है कि रैल्फ एम स्टेनमैन वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी ऑन, किसके लिए डिस्कवरी। तो आप जानते हैं कि जैसे कि ये जो रैल्फ एम जो है, इनके साथ साथ दो और साइंटिस्ट जो थे, उनको ये नोबेल प्राइज मिला रोल ऑफ डेंड्राइटिक सेल इन एडेप्टिव इम्यूनिटी में। एडेप्टिव इम्यूनिटी में डेंड्राइटिक सेल का क्या रोल है, उसके लिए इनको मतलब जो है नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन एक एक करके अगर हम देख लें, तो अगर आप देखिएगा कि एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस के लिए दो साइंटिस्ट थे जिनको मिला था, मैकफारलेन बर्नेट, ठीक है ना, और एक और साइंटिस्ट थे पीटर ब्रायन मेडवार, ठीक है। इन लोगों को मिला था 1960 में अगर आप देखिएगा तो, ये इनको एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस के लिए मिला था, ठीक है। अब रोल MHC के लिए, यानी कि MHC का क्या रोल है टी सेल के रिकॉग्निशन में, तो अगर आप MHC को टी सेल कैसे रिकॉग्नाइज करता है अगर उसके लिए बात करें, तो उसके लिए भी तीन साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्नेल थे, ये बहुत फेमस है, ये आप जानते हैं, ये भी पूछा हुआ CSIR का क्वेश्चन है, स्नेल थे, डाउसेट थे, ठीक है ना, डी है, ठीक है, और उसके बाद बेना सराफ, ठीक है ना, ये थे, ये तीनों को MHC के लिए आपको मिला था। ये केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये भी पूछा हुआ CSIR का क्वेश्चन है, इसके लिए पोर्टर और ईडलमान को आपको ये नोबेल प्राइज मिला था। इसके लिए स्नेल को मिला था, ये स्नेल के साथ, यानी कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में तीन लोगों को मिला था, हॉफमैन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, हॉफमैन, ठीक है, उनको मिला था, और उसके बाद मिला था ब्यूटर को मिला था, इन लोगों को मिला था इननेट इम्यूनिटी के लिए, कि इननेट इम्यूनिटी में डेंड्राइटिक सेल का क्या रोल है, और स्टीनमैन को मिला था आपको एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए। ये नोबेल प्राइज तीनों के तीनों मिलकर शेयर किए थे। तो इस तरह से ऑप्शन जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए, ये एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है पार्ट ए में, जो हमको दिखा तो हम सोचे कि इसको डिस्कस कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर ट्वेल्थ का NCERT देखिएगा तो उसमें एक डायग्राम है, आप ऐसे करके रेनफॉल प्रेसिपिटेशन वर्सेज टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर वर्सेज प्रेसिपिटेशन, यहीं से ये क्वेश्चन है,
ठीक है, इसमें कह रहा है इट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ ट्री ऑफ सर्टेन स्पीसीज। मैंने टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल का क्या मतलब इफेक्ट होता है एनुअल ग्रोथ, ट्री के एनुअल ग्रोथ पे, तो ये एक बबल से डिनोट किया गया है और ये जो एरिया ऑफ बबल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्री के ग्रोथ के, यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा बबल उतना ज़्यादा ट्री का ग्रोथ। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो पहले सबसे पहले यहाँ आप समझिएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है ना, वैसे वैसे ट्री का ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे प्रीसिपिटेशन बढ़ रहा है, प्रीसिपिटेशन जो है अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आपका ग्रोथ जो है ट्री का ग्रोथ जो है वो घट रहा है। यानी कि अगर 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 यहाँ हम बात करें कि रिलेशनशिप की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये इन्वर्सली 1/ट्री ग्रोथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिसिपिटेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये ऑप्शन थर्ड जो है इसमें आपका सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, 12th के NCERT से क्वेश्चन था, पार्ट ए में आया था, इसलिए हम लोग इसको देखें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।